हेलो एंड वेलकम टू मयूरीज किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है ये फ्लावर का पराठा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये हाफ के जी फ्लावर लिया है, इसके साथ मैं और ये एक मैंने आलू को बॉईल करके ले लिया है। और इसके लिए हमें तड़के में ये सब सारी चीजें लगेगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया हुआ है और यहाँ पे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया हुआ है और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला और यहाँ पे मैंने लिया है ये कसूरी मेथी और हींग। यहाँ पे एक चम्मच तेल गरम हो गया है अभी कढ़ाई में और हम इसमें अभी एक एक करके सारी चीजें डाल देंगे। पहले मैंने यहाँ पे हींग डाल दिया है, इसके बाद जाएगा जीरा और इसके बाद जाएगा ये प्याज। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अभी हमें ये सारी चीजें इसमें मिक्स कर देनी है। यहाँ पे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने मिक्स कर दिया है। इसके बाद जाएगा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला। अभी हम इसे सॉटे कर लेंगे। अभी हमें ये कद्दूकस किया हुआ फ्लावर और ये जो बॉइल पोटेटो है, हम इसे हमारे जो फ्राइड जो मैंने प्याज और सारे मसाले फ्राई कर दिया है इसमें हमने डाल दिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे भी मिक्स कर देते हैं। अभी हमें इसमें ये सॉल्ट ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने ये 1 टेबल स्पून के तकरीबन यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढककर होने देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए हैं और मैंने इस बीच में थोड़ा सा ये सब्जी को मैश कर लिया था और अच्छे से अभी ये बाइंड हो गई है और कुक भी हो गई है। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। और अभी इस बीच मैंने गैस भी बंद कर दिया है, गैस की फ्लेम बंद कर दी है और इसे हम अभी एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा गोभी का फिलिंग है ये अभी ठंडा हो रहा है, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़ी कटोरी आटा ले लिया है और इसमें हम लोग अभी पहले सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसमें ये 1 चम्मच मैंने कलौंजी यानी कि प्याज का जो बीज होता है ना वो ऐड कर दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका आटा लगा लेंगे। सॉफ्ट सा आटा लगाना है। यहाँ पे थोड़ा ऑयल लगा के हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देना पड़ेगा और देखिए तब तक हमारा फिलिंग भी ठंडा हो जाएगा। और इतना सॉफ्ट आटा मैंने यहाँ पे इसका लगा लिया है। अभी हम पराठा बना लेते हैं क्योंकि हमारी जो फिलिंग है ये भी ठंडी हो चुकी है। तो इसके लिए हमें आटे का इतना पोर्शन लेना है और इसे सूखे आटे में डिप करके इसकी कटोरी जैसे बना लेना है पहले और इसका इतना पोर्शन लेके अभी हमें इसको बंद कर देना है। तो इसके लिए पहले अंगूठे से ये फिलिंग को अंदर दबाना और धीरे धीरे करके हमें ऊपर का पोर्शन ऐसे लाके कट कर देना है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो निकाल लेके हमारी जो पराठे की लोई है वो परफेक्टली रेडी हो गई है। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ और अभी जाएगा पराठा। अभी यहाँ पे एक साइड हम देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है और इस पे जाएगा ये व्हाइट बटर। आप इसकी जगह कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे तेल, घी या फिर जो नॉर्मल बटर आता है वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन व्हाइट बटर मुझे ज्यादा पसंद है तो मैं वही यूज करती हूँ और वो ज्यादा हेल्दी भी होता है। तो अगर आप पराठे खा रहे हो कोई भी टाइप का तो आप व्हाइट बटर यूज कीजिए, उसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। देखिए परफेक्टली अभी रोस्ट हो गया है, ऐसा इसको रोस्ट करना है। देखिए हमारे प्यारे से टेस्टी पराठा रेडी हो गए हैं। तो ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट करना ना भूलिए। आपकी जो कमेंट्स है वो बहुत प्रीशियस होते हैं और प्लीज़ कमेंट करते रहिए और देखते रहिए मेरा मयूरीज किचन का नया नया वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी।
और इसे दही के साथ या फिर सॉस के साथ, केचप के साथ या फिर किसी चटनी के साथ आप एंजॉय कीजिए। तब तक मैं और इंटरेस्टिंग से रेसिपीज आप सबके लिए लेकर आती हूँ। चिंतन, बाय बाय।